बता रही हूँ, मैंगो केक। मैंगो केक के लिए 1 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप मैंगो पल, 1/2 कप मेल्टेड बटर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मैंगो पल्प में शुगर ऐड नहीं किया था। अब हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैं लूँगी 1.5 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। हमें एकदम फाइन पाउडर चाहिए, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं चाहिए हमको, इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। देखिए इस तरह से। अब हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 पिंच येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा हमारा बैटर थोड़ा थिक है, हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे डाल के। हमें जितना दूध की आवश्यकता होगी उतना ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर से हम मिक्स करेंगे। अभी भी ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें सारा दूध डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हमारे हम बेकिंग टिन को ग्रीस करेंगे। ऑयल से कर सकते हैं, बटर या फिर देसी घी। इस पर मैदा डस्ट करेंगे। इसको इस तरह से हिलाते हुए इसके चारों तरफ मैदा लगाएंगे और इसको टैप करके एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे। अब लास्ट में इसमें हम 1 टीस्पून लेमन ऐड करेंगे। आप विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पोर करेंगे बेकिंग टिन में। मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने को रखा है, 10 मिनट मैंने लो फ्लेम पर रखा था कढ़ाई को। हम कढ़ाई में बेक करेंगे। हम इसे करीबन 35 से 40 मिनट बेक करेंगे। हम 35 मिनट पे एक बार चेक करेंगे। फोक या नाइफ या टूथपिक की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं फोक यूज़ कर रही हूँ। देखिए एकदम क्लीन निकला है, मतलब हमारा केक बेक हो गया है। हम गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जितने हमारा केक ठंडा होता है, हम इसके लिए एक मैंगो ग्लेज बनाएंगे। ये मैंने 2 आम लिए हैं जिसका मैंने प्योरी बनाया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए ये ऑलमोस्ट पक गया है। अब मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को 1 टेबल स्पून वाटर के साथ मिक्स किया है, वो ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमारा ग्लेज रेडी है। हम गैस बंद करके इसको नीचे रखेंगे। मैं इसमें वाइट चॉकलेट डाली हूँ, मेरे पास वाइट चॉकलेट चिप्स हैं। 1 टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये गर्म है तो ये मेल्ट हो जाएगा इसमें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बटर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए हम एक साइड में रख देंगे। अभी मार्केट में व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो केक के लिए मैं मैंगो ग्लेज और एक बटर क्रीम उसका यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं 2 टेबल स्पून बटर लूँगी, उसमें 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। करीबन 2 मिनट तक इसको फेंटेंगे हम। अब इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ करेंगे और इसको हम तब तक फेंटेंगे तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता बटर। अब इसमें मैंने मैंगो पल्प डाला है, करीबन 1 टेबल स्पून है। इसको हम मिक्स करेंगे। हमारी बटर क्रीम ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे। अब हम केक को अनमोल्ड करेंगे। एक नाइफ से इसके कॉर्नर्स को स्क्रैच करेंगे और अब इसको डीमोल्ड करेंगे थोड़ा टैप करके। और देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम स्पॉन्जी, सुपर सॉफ्ट। देखिए कितना अच्छा है। और केक को हम तब भी आइसिंग करेंगे तब ये ठंडा हो जाएगा। अभी ठंडा हो गया, इसको हम कट करेंगे। इसको हम इक्वल कर लेंगे, जो थोड़ा
ऊपर नीचे हुआ है केक, उसको कट करेंगे और इसको हम टू लेयर्स में बनाएंगे। इसको कट करेंगे हम एक नाइफ की हेल्प से, या आपके पास केक कटर हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप, और धीरे से उसको कट करेंगे। अब हम इसको अलग करेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है केक, एकदम स्पॉन्जी। हम इस पे बटर क्रीम लगाएंगे, एक स्पैचुला या स्पून की हेल्प से हम पूरे केक को बटर क्रीम लगाएंगे। अब बटर क्रीम लगाई है, हम इसके ऊपर थोड़े से मैंगो बाइट्स डालेंगे जो हमने मैंगो कट करके रखा था। अब हम इसकी दूसरी लेयर रखेंगे केक की, और उस पर हमने जो मैंगो ग्लेस बनाया था वो लगाएंगे। इसे एक स्पून की हेल्प से पूरे केक पर हम अच्छे से फैलाएंगे और इसकी साइड को इस तरह से कोट करेंगे। देखिए पूरा हमने ग्लेस पे लगा दिया मैंगो ग्लेस। हमारे पास थोड़ी सी बटर क्रीम बची है, उससे हम थोड़ा इसको गार्निश करेंगे। मैंने एक स्टार नोजल लिया है, उसे यूज कर रही हूँ। आपके पास आप अपनी पसंद से कोई भी नोजल है, नहीं तो आप पाइपिंग बैग में कट करके भी यूज कर सकते हैं उसको। अब मैं इसमें थोड़े मैंगो को कट किया है उसको लगाएंगे। और हम मैंगो बाइट से थोड़ा और गार्निश करेंगे इसको। हमारे पास थोड़े से स्प्रिंकल्स हैं, उसको स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और इसको गार्निश करेंगे केक को। देखिए हमारा केक रेडी है, और ये कितना अच्छा लग रहा है, एकदम यम्मी, सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम डिलीशियस। देखिए कितना अच्छा है, डबल लेयर विद मैंगो बाइट्स।